नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल की होलास्टिक पर खास पेशकश रिश्ते और रंग में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषी आचार्य आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, आज का विषय भी बेहद ही खास है, होलास्टिक है और होलास्टिक के इन दिनों में किस तरह से कुछ खास रंगों के प्रयोग से अपने रिश्तों में आप सुधार कर सकते हैं, रिश्तों के रंग को और भी गहरा और मजबूत कर सकते हैं, ये हम अपने खास पेशकश रिश्ते और रंग में लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं उस खास रिश्ते के बारे में जिसका रंग आपके रंग से मिला हुआ है। जी हाँ, खून के रंग से आपका रिश्ता है और बात हो रही है आपके संतान के बारे में। अगर आपकी संतान आपसे रूठ गई है या इन दिनों आपके साथ जो है उनकी बनती नहीं है, आपसे दूर रहने लग गई है आपकी संतान और उनका यह रूठना आप जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो आपके पास रहें और आपके जो बीच में प्यार है वो और भी बढ़ता चला जाए, इसके लिए रिश्ते और रंग कमाल दिखाएगा। और कौन सा खास रंग आज कमाल करने वाला है विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप कंचन जी? जो नारंगी रंग होता है उससे हमारे परिवार के अंदर में एक आत्मीयता बढ़ती है, एक प्रेम आता है। जब पर कोई भी पर्व आता है तो पर्व आपको अपने जीवन में एक खुशियां भर देता है। आप देखते हैं छोटा सा भी अगर कोई व्रत त्योहार हो तो हम कितने अपने आप में प्रफुल्लित होते, प्रसन्न चित्त होते। फिर खास करके ये जो रिश्ता होता है माता पिता और पुत्र का, ये इतना बड़ा रिश्ता होता, यदि पुत्र दुखी है तो माता पिता दुखी है, पुत्र सुखी है तो माता पिता सुखी है। होलास्तक के अंदर में ऐसी नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न होती हैं, ग्रह अपना जो शुभ फल देने वाले होते वो प्रभावहीन हो जाते, शुभ फल नहीं दे पाते और जिसके कारण माता पिता और पुत्र के अंदर में और भी दूरियां बनती चली जाती। आखिर वो दूरियां किस तरह से कम हो जाएं, आप देखें कल आज और कल हम वो उपाय भी देने वाले हैं कि ये जो दूरियां हैं जीवन में फिर दोबारा दूरियां नहीं होंगी, एक नजदीकियों में आप माता पिता और पुत्र के साथ में आ जाएंगे। जी बिल्कुल, माता पिता और संतान जो है वो एक साथ आ जाएंगे। कुछ खास रंग में भी आज हम बात करेंगे, नारंगी रंग के प्रयोग के बारे में जो यकीनन प्यार को बढ़ाएगा। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति जो जिसे सुनने मात्र से ही आपके कष्ट भी कट जाते हैं, मानसिक सुकून भी आप महसूस करते हैं। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हे परम पिता परमात्मा, आप हमारे माता पिता सखा बंधु सब कुछ हो, आप ही हमारी हर तरह से रक्षा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जी हाँ, और चलिए आगे आपको बताएंगे कि वो कौन से ग्रह होते हैं जो आपके बच्चों को आपसे दूर कर देते हैं, कुंडली से वो हम आपको योग बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, मोहाली से पवन जुड़े हैं हमारे साथ जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार मैम, नमस्कार गुरु जी। पवन जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार गुरु जी। जी आपको नमस्कार कह रही है। नमस्कार, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है जी। मैम मैंने अपने बारे में पूछा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी जी 1982। देखिए आपकी आवाज बहुत ही धीमी आ रही है। 7 जनवरी 1982 जी, 82, 7 जनवरी 82, समय 5:30 PM 5:30 AM PM जी। आपकी आवाज वाकई बहुत धीमी आ रही है, समझना मुश्किल हो रहा है। पवन जी आप थोड़ा सा जोर से बोलें, ऊंचा बोलें आप। जी मैम, अब ठीक है? अब ठीक है मैम? आपकी आवाज बहुत ही कम है, लेकिन चलिए समय एक बार फिर से बताएं आप, हम प्रयास करते हैं समझने की। 5:30 PM 5:30 बजे शाम के PM जी। हाँ जी। और प्लेस
बर्थ प्लेस? जी पंजाब मोहाली। जी मोहाली जी, अब बताएं क्या सवाल है आपका? मैम एक तो मुझे पूछना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी जी कि नहीं, और दूसरा मेरा भाग्य उदा होगा कभी, या अगर होगा तो मुझे कोई मंत्र वगैरह बता दीजिए कि मैं करूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं आर्थिक तौर पे भी, सामाजिक तौर, हर पक्ष से परेशान हूं मैं। जी देखिए यहां पर मैं कहूंगा बहन जी, आपकी जो लगन है मिथुन लगन वृषभ राशि है और गुरु में केतु चल रहा है, आप आर्थिक भी परेशान हैं, आप मानसिक भी परेशान हैं और शारीरिक भी परेशान हैं, यानी तीनों स्थितियों से आपको दो दो चार होना पड़ रहा, और तभी कहते कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवा। अर्जुन ने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता तो सिर्फ उन ग्रहों की बदौलत। जब भगवान कृष्ण अपने स्वर्ग लोक को जाने लगे तो अर्जुन से कहने लगे कि अर्जुन आप बहुत बड़े शूरवीर हो, आप इन गोपियों को अपने यहां ले जाओ, सुरक्षित रहेंगी। अर्जुन लेकर के चलते रास्ते में चोर और भीलों ने अपहरण कर लिया। धर्ष को जीवन में इन जो नौ ग्रह हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्चात, इनका एक बहुत बड़ा जीवन में योगदान होता और यही आज हमारी बहन की कुंडली में लगा हुआ है। मैं कहूंगा कि सूर्य ग्रहण दोष की आप शांति कराएं, गवर्नमेंट जॉब बहुत शीघ्र लग जाएगी, और पांच मुट्ठी चावल आप शुक्रवार के दिन किसी साधु महात्मा या ब्राह्मण को आप दान करें तो बेटा आपके जीवन की दिन दिशा दोनों बदल जाएगी। जी हाँ जी। और चलिए अपने विषय पर भी आ जाते हैं। होलास्टक में रिश्ते और रंग में बात हो रही है आपके संतान के साथ, आपके रिश्ते को मधुर करने के लिए। और आचार्य जी अगर बात की जाए ग्रहों की, क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनके भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित भी रहते हैं, लेकिन अगर यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और फिर माता पिता के साथ दूरियां बनाने शुरू कर दें जी, तो कौन से ग्रह ऐसा करवाते हैं कि माता पिता से जो है कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न होते हैं और वो घर तक छोड़कर चले जाते हैं? मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि शायद हमारे जो दर्शक इस वक्त कल आज और कल देख रहे हैं और उनके मन में क्या उनके जीवन में ये घटनाएं घट रही हैं कि माता पिता अपनी गाढ़ी मेहनत करके भूखा रह करके बच्चे को बड़ा करता है, पालन पोषण करता है, और जब बच्चे से सुख मिलने की इच्छा करता है, कामना करता है, तो बच्चे माता पिता का साथ छोड़ देते। तो आपने इतनी बड़ी बात पूछी, इसके लिए मैं आपको दोबारा से धन्यवाद करूंगा और कहूंगा कि कुंडली के अंदर में यदि चतुर्थ भाव में गुरु और राहु एक साथ हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति वाणी पर संयम नहीं रखता, कभी कुछ और कभी कुछ, और यदि ऐसे ही माता पिता की नहीं बनती, यदि केतु शुक्र दशम भाव में बैठ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि माता पिता और संतान ये तीनों की दूरियां बनना निश्चित है। इसीलिए कहते हैं यदि आप ये जान रहे कुंडली के अंदर में इस तरह की स्थिति बन रही है तो आपका ये धर्म बनता है कि किसी सुयोग ज्योतिषी के पास में जाकर के और उसका उपाय जाने। इसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं होती। भगवान कहते कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्ता प्रयच्छति, आप छोटे से छोटा उपाय आप नवग्रह का कर लेंगे तो मैं प्रत्यक्ष कहता हूं कि प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, आपके जीवन की दिन दिशा दोनों बदल जाएगी और माता पिता संतान में जो अनबन हो रही है ये भी बंद हो जाएगी। आगे हम उपाय भी बताने वाले जी। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो इनको अब लगाएंगे हम कॉल और इनसे बात भी करेंगे। जी लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं। हेलो जी। नमस्ते। नमस्कार। मेरे पति का नाम है अभिजीत राज जी, राजवर्धन। आप अपना नाम बताएं। बिहार मुजफ्फरपुर। देखिए सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रही हैं? अभिजीत राज मुजफ्फरपुर। आपका नाम अभिजीत है? नहीं मेरे पति का नाम है, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका खुद का नाम क्या है? ज्योति राज। ज्योति जी बधाई ले लीजिए, आज की लकी कॉलर बनी हैं आप। और अब बताएं अभिजीत जी के बारे में क्या जानना चाहती हैं? जानना चाहते हैं कि उनका आगे का कैसा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ क्या है कि नहीं। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 75।
अच्छा, अब दिन और महीना? 20 जुलाई 75 रात के 1:32 जी। और प्लेस? प्लेस मुजफ्फरपुर, बिहार, मुजफ्फरपुर जी। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि अभी तक तो हम लोग का बहुत स्ट्रगल ही चलता है, और जॉब में भी आगे प्रमोशन है कि नहीं, कुछ अपना घर है कि नहीं, स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं रहता है। देखिए, अभी मैं कहूंगा कि जिस तरह से आपके हस्बैंड की कुंडली लगी, बहुत भाग्यवान है, जीवन में इन्होंने काफी संघर्ष किया, यानी मेहनत की, उसका फल इनको बहुत मिला है। परंतु यह है कि अभी 100 में 100 नहीं मिला, इसलिए हम ये कहेंगे कि हम पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ, इनके ग्रह के योग बन रहे हैं। सिंपल सा उपाय है कि 5 सोमवार भगवान शिव की आराधना कराएं दूध, और भगवान भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोल करके 5 सोमवार चढ़ाएं, और शनिवार को पुराने वस्त्र किसी अभ्यागत को दान कर दें, तो इनका प्रमोशन 2017 में बन रहा है, 2017 में ग्रह के योग भी बन रहे। जी जी हाँ, और शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए भी। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है, मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। होलास्टक पर आप हमारी खास पेशकश रिश्ते और रंग देख रहे हैं, और ऐसे में बात हो रही है आपके संतान के साथ आपके रिश्ते को लेकर के, अगर कहीं ना कहीं खटास आई हुई है इस रिश्ते में, क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करते हैं, और उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी तक भूल जाते हैं, जिगर के टुकड़े कहते हैं अपने बच्चों को। लेकिन अगर यही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को दरकिनार कर रहे हैं या अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रह जिम्मेदार होते हैं। उन ग्रहों की पहचान तो हम करवा ही रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि होलास्टक है, होलास्टक में नेगेटिविटी और भी ज्यादा फैल जाती है। तो आचार्य जी जानना चाहेंगे कि इस प्यारे से रिश्ते में, संतान और माता पिता का जो रिश्ता है, इस बीच में किस तरह से तलवार का काम कर सकता है होलास्टक, ये नकारात्मक शक्तियां, इसके बारे में बताएं आप। कहूंगा कि जब होलास्टक आते हैं तो होलास्टक में कहते हैं कि हमारे जो शुभ कार्य हैं वो वर्जित हो जाते हैं। जब कहते हैं, और भगवान ने भी कहा कि कर्मण्येवाधिकारास्ते माम फलेषु कदाचन, जब कोई जप नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, हवन नहीं होगा, तो नकारात्मक शक्तियां तो हावी होंगी ही होंगी, और जब ये नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं तो माता पिता और संतान के ऊपर इतना बड़ा एक संकट उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण माता पिता और संतान की दूरियां बनती जाती हैं, जिससे जीवन फल स्वरूप कम हो जाता है, और एक दूसरे के बीच में तनाव की उत्पत्ति
हो जाती है, मन अशांत और उदास रह जाता है, और यहाँ तक कि जिस कोई आपका बहुत करीबी हो परिवार में, आपकी उससे तक लड़ाई झगड़ा हो जाना, दूरियां बन जाना, इतनी दूरियां बन जाना, इतनी गहराई बन जाना कि उसको पाटने में भी बहुत सारा समय लग जाना। यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो व्यक्ति को चाहिए कि बुराइयों को त्याग करना चाहिए और माता पिता का इस होलास्टक में आशीर्वाद यदि लेते हैं तो एक महाचूक उपाय बताया गया है कि जो आपकी इन दूरियों को कम करता है। जी जी हाँ, नारंगी रंग कमाल करेगा जो कि हम आपको बताएंगे उसका खास प्रयोग, लेकिन उससे पहले आपको देते हैं आपके मूलांक के अनुसार वो नंबर जिसे रखना है आपको पूरे 24 घंटे सीक्रेट, और ऐसा करने से आपका भाग्य प्रबल होगा। जी हाँ, आज एक नंबर बालों के लिए होगा 71 और दो के लिए होगा 93, तीन के लिए 54 और चार के लिए 37 और पांच के लिए होगा 19 नंबर, छह के लिए 21 नंबर और सात के लिए 31 और आठ के लिए होगा 90 नंबर और नौ के लिए होगा 47। इसे किसी पेपर में लिखें और अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष नदी में से विसर्जित करें तो आप रहेंगे 24 घंटे सुरक्षित। जी हाँ, दिल्ली से स्नेहा जुड़ी हैं। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हाँ पंडित जी, मैं अपनी शादी और अपने करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1988, समय बर्थ टाइम है 1:10 दोपहर और जन्म स्थान है दिल्ली। क्या सवाल है आपका? मैं अपने करियर को और शादी को लेकर पूछना चाहती हूँ। जी थैंक यू। 1:10 PM दिल्ली। देखिए, बताना चाहूंगा कि शुक्रवार का दिन पड़ रहा है और यहाँ धनु लग्न कुंभ राशि गुरु में केतु चल रहा है, आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बना हुआ है जिसके कारण आपके विवाह की बात चलती है, बात होती है, बात नहीं बन पा रही। कैरियर में भी जॉब लग जाती है और छूट जाती है, यही शिक्षा का स्तर रहा। बेटा आपको करना चाहिए कि सोमवार के दिन एक तिल के तेल की जोत जगा लें, उसमें चार बत्ती लगाएं और पांच बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोल करके अपने दरवाजे में, आंगन में, बालकनी में उस दीपक को रख दीजिए पांच दिन, तो आपकी सारी बाधाएं हो जाएंगी दूर और बहुत शीघ्र विवाह है और जॉब दोनों हो जाएंगे। जी हाँ, और चलिए अब आपको वो चमत्कारी उपाय भी बताते हैं, खास तौर पर नारंगी रंग का इस्तेमाल किस तरह से आपके संतान को आपके पास ले आएगा। आचार्य जी अब ये भी बताएं आप। जी ये मेन उपाय है और हमारे जो दर्शक हैं इस वक्त कल आज और कल देखते हैं और वो इन उपायों को करते हैं, उनसे उनके जीवन की दिन दिशा बदलती है। हमें बहुत अच्छा लगता है आप सब लोग जो अपना बहुमूल्य समय देकर के इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस उपाय को करते हैं, उससे आपके जीवन में बदलाव आता है, परमात्मा से यही कामना रहती है। और आज भी वो माता पिता संतान के लिए बहुमूल्य उपाय हम बताने जा रहे हैं कि आपको नौ ग्रहों को किस तरह से नारंगी रंग प्रभावशाली बनाता है। आप पीपल के नौ पत्ते ले लें और उसमें पांच पांच चुटकी नारंगी रंग रखें और उसके पश्चात एक थाली में रख लें और जाकर के आप आम के वृक्ष के नीचे जाएं, क्योंकि आम का जो वृक्ष होता है उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता। तो यदि आप नौ ग्रहों में वह नारंगी रंग रखेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कहते कागा काको धन हरत, कोयल काको देत, कोयल की तरह वाणी के अंदर में मधुरता मिठास आ जाएगी। और उन पत्तों को पीपल के पेड़ में चढ़ाएं और पांच परिक्रमा आप करें तो माता पिता संतान की जो
दूरियां हो रही हैं, तकरार बन रही हैं, इस रिश्ते में एक गाढ़ा प्रेम बढ़ जाएगा और मधुरता आ जाएगी। जैसे आम मीठा होता ना, ऐसी मिठास माता पिता और संतान के अंदर आ जाएगी और प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी। दर्शकों, परंतु सब कुछ आप पर है। जो कुछ कहते प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आप जो करेंगे वो आपको दिख जाएगा। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में, उनके सम्मान के बारे में। पूरे 24 घंटे आप हर किसी से सम्मान पाए, सम्मानित हो, इसके लिए दे रहे हैं एक खास प्रयोग आपसे हैं हम में। जी हाँ, ये जो उपाय होता है खास हमारी उन माताओं और उन बहनों के लिए होता है जो जीवन में सब कुछ करती हैं। चाहे पति है तो सेवा करना, संतान है तो उसकी सेवा करना, बीमार है तो भी सेवा कर रही हैं, दुखी है तो भी सेवा कर रही हैं, तो ये उनके लिए बहुमूल्य उपाय होता है कि आप एक बड़का पत्ता लें और उसमें नारंगी रंग रख दें और उसको आप अपने आंगन में रख दें, बालकनी पे रख दें, तुलसी की वृक्ष के नीचे रख दें और हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लें, तो आपको 24 घंटे क्या 48 घंटे मिलेगा सम्मान। जी। और इन्हीं तमाम अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में भी बस इतना ही। और आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारियों के लिए। जी, आपको धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को जो कल आज कल इस वक्त देख रहे थे, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। बिल्कुल। और कल दोपहर 2:30 बजे हम बात करेंगे महिलाओं के लिए कि उनके जो बेस्ट हाफ है, यानी कि उनके जो पति देव हैं, जो उनकी हर नादानियों को माफ कर देते हैं, उनके साथ भी जो रिश्ता है, जीवन भर का रिश्ता है भाई, और जीवन भर का जो रिश्ता है हमेशा यूं ही प्यारा और मधुर बना रहे, इसके लिए खास रंगों के खास प्रयोग हम कल करवाने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।